आज मैं और मेरे मित्रगण आप सभी के समक्ष एक कविता कल चले हम फिदा पर प्रस्तुति करने जा रहे हैं। मैं उद्घोषक बना हूँ। मैं सैनिक बनी। मैं सैनिक। हम विद्यार्थी। आओ देश का सम्मान करें, शहीदों का शहादत याद करें। जो शहीद हुए मेरे देश पर उन्हें झुककर सलाम करें। आज हमारे समक्ष कुछ छात्र एक कविता प्रस्तुति करने जा रहे हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले बदन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। सर हमारे तो कुछ कम नहीं, सही माने का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाप बन साथियों, अब तुम्हारे हवाले बदन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खूनी ना आती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले बदन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले बदन साथियों। राष्ट्र दिवस पर तिरंगा फहराना और सैनिकों की पोशाक पहनना तो हम सभी को आता है, परंतु उनके मनोभाव पर प्रेम, देश के प्रति प्रेम को हम नहीं समझ पाते। उसी के लिए आज हमारे समक्ष कुछ सैनिक छात्रों को प्रेरित करने के लिए कुछ शब्द कहेंगे। हम अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर देते हैं, हमारे सर कट जाते हैं, पर फिर भी हम अपने हिमालय को कभी छूटने नहीं देते। जिंदगी में जिंदा रहने के लिए कई अवसर मिल जाते हैं, परंतु गर्वपूर्ण मृत्यु का अवसर बार बार नहीं मिलता। जिंदगी में सुंदरता और मोहब्बत एक साथ नहीं आती है, परंतु इन दोनों में परस्पर की नाराजगी चलती रहती है। अगर जवानी में खून ना बहा हो तो वह जवानी व्यर्थ है। अब हमारे देश की धरती दुल्हन बनी है, अब हम इस धरती पर अर्पण होने जा रहे हैं। अब यह धरती तुम्हारे हाथ में। कुर्बानियों के रास्ते कभी खाली नहीं होने चाहिए, और मौत का जश्न पहले बनाना चाहिए, जीत का जश्न तो बाद में बनेगा, क्योंकि मौत और जिंदगी एक दूसरे के गले मिलती है। और कबूल हमें अपने साथ में चाहिए, कभी तो अब हम तुम्हारे हवाले में बदल छोड़ के जा रहे हैं। हमें अपने खून से इस जमीन पर लकीर खींच लेनी है, ताकि कोई भी रावण अर्थात कोई भी दुश्मन इसे पार न कर पाए, और हमारी सीता अर्थात हमारी धरती माँ को कोई भी इसको पार न कर पाए। और अगर कोई भी हमारे पर हाथ उठाए तो हमें उसके हाथ तोड़ देने हैं। और हम ही राम है, हम सभी लक्ष्मण है, और हमें ही इस वतन को बचाना है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। आज के इस कलयुग के समय में हम सभी का पालन पोषण कुछ इस तरीके से होता है कि हमें बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर या ऐसे किसी पद पर पहुंचने की सलाह दी जाती है जहां हम पैसा कमा सके, अपने आप को सुरक्षित रखें। किंतु इन सभी में हम यह भूल जाते हैं कि वो जो हमारे लिए सीमा पर खड़े रहकर जान तक देने को तैयार रहते हैं, अपने अपनों से दूर रहते हैं केवल इसलिए ताकि उनका देश, उनके वतन के लोग सुरक्षित रह सके। इसी सोच को बदल हमें भी उन्हीं की तरह देश के लिए कुछ करना चाहिए।